यहाँ से मुझे वाराणसी की ओर जाना है, इसलिए हम लोगों ने आपस में तय किया था। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इस धरती से मेरा व्यक्तिगत लगाव है। इस घर खड़ी करके रिहर्सल में है, शत प्रतिशत कल समय से 9 बजे। अरे बहुत सर, 25 को सर पीएम आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या व्यवस्था है, आज प्रेस ब्रीफ का क्या उद्देश्य था? डिटेल में तैयारियां हुई हैं और अभी 3 दिन पहले कुशीनगर में प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेहतरीन उसमें ड्यूटी दी और सुरक्षा संपन्न हुआ। और यहाँ के ई जोन महोदय लगातार क्रियाशील रहे हैं, हमारे रहे हैं, सभी चीज़ों से वाकफियत है। अभी प्रसन्न महोदय का भी कार्यक्रम हुआ था, डिस्ट्रिक्ट महोदय का भी हुआ, ये भी कार्यक्रम सुरक्षित संपन्न होगा, पूरी तैयारी है। और समस्त संसाधन, उपकरण, जनशक्ति, ट्रेनिंग, मैन पावर सब कुछ यहाँ दुरुस्त है और बढ़िया कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको लेकर के फोर्स वगैरह की है, कैसे क्या है, किस तरह का डिप्लॉयमेंट है, बॉर्डर का मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, 4 लेयरों में हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और हमारा ये प्रयास है कि मिनिमम पब्लिक इनकन्वीनियंस में प्रोग्राम कराया जाए। आप जानते हैं कि यहाँ आने जाने के जो रास्ते हैं वो छोटे हैं, पब्लिक जब इतनी ज़्यादा संख्या में बसेज और गाड़ियों से आएंगे तो उनको अनकन्वीनियंस हो सकता है, तो पार्किंग एक मेजर चैलेंज होगा जिसके लिए हम लोग मेजर काम दे रहे हैं और पब्लिक को यहाँ ना दिक्कत हो इसलिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हम हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में हमारे एंटी सबोटाज टेक, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज भी आ रहे हैं, ATS के कमांडोज रहेंगे, काउंटर ड्रोन, स्नाइपर सारे लगाए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था जहाँ तक सुरक्षा का विषय है वह अचूक रहेगी, बट जो हमें साथ ही साथ मैं कहूँगा कि पब्लिक इनकन्वीनियंस कम से कम हो, इसी का हमारा प्रयास है। सर बॉर्डर पे है, जाहिर है खुली हुई सीमा है, तो उसको लेकर के और जनपुर मैंने आपको बताया ना कि कमांडोज हमारे ATS के कमांडोज भी आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम आ रही है, यहाँ पर SPG आई हुई है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हमें मिल गए हैं, PSC मिल गई है, पर्याप्त संख्या में SP, एडिशनल SP, DSP सारे लगाए जा रहे हैं, कोई सुरक्षा में चूक नहीं होगी। मैं आपको सीमा खुली रहेगी सर, सीमा खुली रहेगी, सभी कुछ खुला रहेगा, ऐसा कोई हम लोग का रोकने का किसी का प्रिवेंट नहीं है। जो इस एरिया में हम लोगों की नज़र सतर्क रहेगी ताकि जो आने जाने वाले लोगों हैं उन पर सजग रहते हुए कार्रवाई करें। थैंक यू।